अलहाज असदुद्दीन उवैसी साहब, अकबरुद्दीन उवैसी साहब, दोनों भी अपने अपने जगह एक मुस्तकम अंजुमन का काम अंजाम दे रहे हैं। दोनों भाई दोनों मजलिस में शामिल हैं, लेकिन दोनों का काम अंजुमनों के कामों से ज़्यादा हैं। अंजुमने भी वो काम नहीं कर सकती, ऑर्गेनाइजेशन भी वो काम नहीं कर सकते जो ये दोनों भाई मिलकर अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस-ए-आलम-ए-मुस्लिमीन का चर्चा दक्कन से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में होने लगा है, और न सिर्फ होने लगा है बल्कि हमारी अजमतों में इज्जतों में इजाफा हो रहा है। और दुश्मन जो है वो बड़े परेशान हाल हैं कि ये क्या हो रहा है। जो सब अल्लाह की अता है और हमारे सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, और हमारे दीन और ये अल्लाह की करम नवाजी है कि उनकी माइयत की वजह से, उनके ताईदी जो है रूहानी ताकतों की वजह से मजलिस-ए-आलम-ए-मुस्लिमीन आज इंतहाई तरक्की के मनाज़िर तय कर रही है। अल्लाह ताला उसको नज़र बद से बचाए, आइंदा मजीद मजीद कामयाबियाँ मजलिस-ए-आलम-ए-मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को, खासतौर जो यूपी के इलेक्शन में ठहरे हुए हैं इंतबाबाद में, उनको अल्लाह ताला आला दर्जे से कामयाबियाँ अता फरमाए। और दोनों कायदीन को बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी और हबीब मिल्लत हज़रत जनाब अकबरुद्दीन उवैसी, दोनों की उम्र दराज करवाए। अल्लाह ताला दोनों को अपनी हिफाजत करवाए और कौम मिल्लत के लिए उनकी खिदमत को कबूल फरमा लिया। अरे परवरदिगार, हम सब मिलकर दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लिया, इज्तिमाई दुआ की हैसियत भी बड़ी हो जाती है। अल्लाह ताला किसी एक नेक बंदे के आमीन कहने पर सबकी दुआ कबूल फरमाए। आपकी करम नवाजी है, फरमा रहे हैं मजीद एहसान और नेमतियाँ और तरक्या और कामयाबियाँ हम सब पर जारी रखिए। हमारी मजलिस-ए-आलम-ए-मुस्लिमीन के दीगर कायदीन की भी दीन की ईमान की जान की माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। मुसलमानों को अजमत रफ्तार पर सियासा पर दीगर अकवाम पर गलबा ही नायत फरमाए। दीन इस्लाम को दीगर अज्ञान पर गलबा ही नायत फरमाए। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मुसलमान जुल्म सह रहे हैं, जिन पर जुल्म किया जा रहा है, उनकी आप मदद फरमाइए, मजलूमों की मदद फरमाइए, ज़ालिमों को कह भरे के इंतजार तक पहुँचाइए। पर हमारी इंतजाम को, दरख्वास्तों को, दुआओं को अपने फजल व करम से रहमत अल्लामीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महले के अफ़ार के फल से आपके जुमला महबूबीन औलियादीन वसील से कबूल फरमाने के बाद जमा हुए। इस वजह से नक़ीब मिल्लत अलहाज असदुद्दीन उवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन उवैसी साहब, ये दोनों ऐसे शेर हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख को बदल दिया है। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है, जब सालार मोहतरम ने फरमाया था कि मेरी एक आँख शिया है और एक आँख मेरी सुन्नी है, एक आँख बंद करके इंसान रहने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो सबको साथ लेखमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना है, इत्तेहाद इत्तेफाक, और वो प्लेटफॉर्म मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन का प्लेटफॉर्म है। आज मजलिस का नाम सारी दुनिया में लिया जा रहा है और ये दोनों भाई अपने जान की माल की परवाह किए बगैर कफन को बांधे हुए गली गली कूचा कूचा खरिया खरिया एक एक शहर में जाकर हक और बातिल कौन कौन सी ताकतें उनको समझा रहे हैं।
किस तरह से हम अगर एक हो जाएं, इत्तेहाद में आ जाएं, तो किस तरह से हम सारे हिंदुस्तान में हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के परचम को हम बुलंद कर सकें, यही ताकतवर करें। मजलिस यही चाहती है कि जिसको हक़ नहीं मिला उसको हक़ मिले। मजलिस यही चाहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक़ दिया वो हक़ हमको मिल जाए। हम कोई दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है, हम यहाँ पर पैदा हुए, हिंदुस्तान हमारा है, कोई हमको निकाल नहीं सकता। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हमारा जो हक है हम उसको तलब कर रहे हैं। और ये कारोबार उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कोई क़ायद, मजबूत क़ायद ना हो। ये आगे कोई नहीं बढ़ सकता जब तक आपके क़ायदीन सही ना हो। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह यूपी में एक अजीब फैसला आने वाला है, और अल्लाह की करम रहेगा ज़रूर, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह परवरदिगार ये जो हासदीन बढ़ते जा रहे हैं और उनकी निगाह दोनों शहरों पर है, परवरदिगार इन हासदीन को नीस्त ना परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का, 14 मासूमीन का परवरदिगार तुझे वास्ता कि तू अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार ये हक की तरफ सबको दावत दे रहे, बुला रहे, मजलूमों की आवाज़ बनकर आगे बढ़ रहे हैं, तू करम कर दे परवरदिगार, इनको आबादशाद रखे, इन दोनों की सेहत को, इनके जितने जिस्मानी अमराज है इन तमाम को परवरदिगार तू जल्द अज जल्द दूर फरमा। सारे हिंदुस्तान में यही परचम को तू जल्द अज जल्द लहरा दे परवरदिगार। यहाँ पर जितने मोमिनीन आए हैं तमाम को आबादशाद रखे परवरदिगार। ये दो भाई हैं जो सबको एक कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं परवरदिगार, ये इत्तेहाद में सब मुसलमानों में एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का परवरदिगार, उस पर तू मजीद ताकत इनायत जान की हिफाजत फरमा। वो जो मेहनत काविश कर रहे हैं परवरदिगार इसे कबूल फरमा। हम तमाम को एक प्लेटफॉर्म बनाने की तू तौफीक इनायत फरमा। और परवरदिगार यहाँ पर जितने आए हैं यहाँ पर बैठ कर, शेरियार वाला जाई, अलमदार वाला जाई, सब यहाँ पर आकर बैठ कर दुआ को है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में। परवरदिगार यहाँ पर मोमिन है, ये सब अपने हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। तो आखिर में फिर ये कहता हुए अख्ताम पर पहुँचूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को सदोसी साल सलामत रखे, अराफात समा भी वो अर्दी से उन्हें महफूज रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि। एक मिनट हम ना ले रहे पेपर के, ओके राइट सर, पेपर की पूरा अच्छा बना के निकाल कर इधर हटो नजीर इधर आओ दबो आप इधर الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जनाब शहरियार वाला जाही, जनाब शहरियार अलमदार वाला जाही साहब के मकान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब व हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सेहतियाबी और हासिदीन के हसद से हिफाजत के लिए दुआएँ की गई। यहाँ बड़ा अहतमाम हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान में अपना लोहा मनवा रही है। साबिखा सदी में ये देखा गया कि शहर हैदराबाद को पहचाना जाता था दक्कन के बाहर, बिरोनी दक्कन और बिरोनी मुल्क निज़ाम हैदराबाद की, हुजूर निज़ाम की शिनाख्त की वजह से हैदराबाद को पहचाना जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सदी में, ये जो रवां सदी है 21वीं सदी में, हैदराबाद की शनाख्त बेशतर मुकामात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से किया जा रहा है। लोग वहाँ बाहर मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं, बैरून दक्कन बैरून मुल्क भी मुलाकातें होती हैं। जब उनको बताया जाता है कि हम हैदराबाद से हैं तो सीधा वो कहते हैं कि क्या आप असद ओवैसी साहब के शहर से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शिनाख्त तो मिल रही है, जैसा कि बुज़ुर्गों ने यहाँ पे वाज़ह किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की इत्तेहाद और इत्तेफाक, फिर इनके साथ दीगर अबनाए वतन के साथ मिलकर
किस तरह यहाँ पे एक गंगा जमनी तहजीब वाली राह को हमवार किया जा सकता है, उसमें कोशा हैं। यकीनन फ़िरका परस्ती की ताकतें अपनी कोशिशों में लगी है, लेकिन उसके सद्देबाब में मजलिस अपनी कोशिशें कर रही है ताकि यहाँ पे एक अच्छी सियासी नुमाइंदगी मुसलमानों की और पिछड़े तबक़ात की कर सके। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब फरमाए और उनकी हिफाजत का पूरा इंतज़ाम फरमाए। सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम यहाँ पर नूर खान बाज़ार में बालाजाही मंजिल पर सब जमा हुए हैं ताकि एक यहाँ पर इज्तमाही दुआया महल का इनेकाद अमल में लाया गया है, ताकि हाल ही में जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो खातिलाना हमला किया गया और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सेहतियाबी के लिए ये एक इज्तमाही दुआया महफिल यहाँ पर अमल में आई है बालाजाही मंजिल पर। और हमने यहाँ पर सब ने मिलकर कुरान की तिलावत भी फरमाई और दुआ भी हमने की है। और आप देखें कि हिंदुस्तान के हालात कितने पुराशोभ हैं और किस तरह से हसदीन में इजाफा हो रहा है। ये जलन, ये हसद, ये दुश्मनी इसलिए है कि क्योंकि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का परचम सारे हिंदुस्तान में लहरा रहा है और एक एक गली खरिया, एक एक गांव में असदुद्दीन ओवैसी साहब जाकर अपनी जान की फिक्र किए बग़ैर सबको जमा कर रहे हैं, यानी मुसलमानों को, दलित को, वो लोग के जो बिछड़े हुए हैं, वो लोग के जो कमज़ोर है, उनको ताकत देना चाहते हैं। और हमको जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ताकत दी है, हम किस तरह से हम आराम से ज़िंदगी बसर कर सकें, उस तरह से उसी लिए वो हर मुकाम पर जा रहे हैं, सबको एक जगह जमा कर रहे हैं। इधर आप देखें कि हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कितना काम किया। अब यहाँ पर मौका नहीं है कि वो कामों को गिनवाऊँ, सब जानते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कि तालीम के मैदान में हो कि सियासी मैदान में हो, इनके गरीबों की मदद हो, कि जब आकर यहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई थी और तूफ़ान भी यहाँ पर आया था तो किस तरह से आपने मदद फरमाई है, कितने बच्चों की आप तालीम में, तरबियत में आपने हिस्सा लिया है। तो आप जान सकते हैं इनके दोनों भाई किस तरह से अवाम में रहकर अवाम की खिदमत कर रहे हैं, खिदमत का जज्बा उनमें है। अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे। और हमने सब ने मिलकर ये दो शेरों के लिए दुआ की है कि किसी ना किसी तरह से दुश्मनी और हासिदीन की बड़ी कोशिश है, लेकिन हम जानते हैं इंशाअल्लाह ताला ये सब की कोशिशें जो हैं कि ये दो भाइयों पर आकर जानलेवा हमला करें, इंशाअल्लाह उनके मंसूबे नीस तो नाबूद हो जाएंगे। और जो कोशिशें कर रहे हैं कि इनको नुकसान पहुँचे, इंशाअल्लाह ताला वो लोग जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उन्हीं की तरफ इस नुकसान को ज़रूर पलट देने वाला है। हमने यहाँ पर इन चारदा मासूमीन और इमामों के सदक़े में उनके तुफ़ैल में दुआ फरमाई है कि अल्लाह पूरे सदर सुदूर मोहतमदीन MIM के कारकुन, MLAs और जितने कॉरपोरेटर्स हैं, सब सारे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं, परवरदिगार इन तमाम को आबाद शाद रखे, आफात समावी और अर्ज़ी से तमाम को महफूज रखे और हासदीन के हसद से इनको महफूज फरमाए। और खुसूसन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम MLAs, MLC और कॉरपोरेटर्स और तमाम जितने कारकुन हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के, जनाब जितने सुरूर हैं, उन तमाम के लिए फिर से दोबारा दुआ करता हूँ, अल्लाह उन तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब यहाँ पर जनाब अलमदार हुसैन साहब बालाजाही कॉरपोरेटर हलके दबीरपुरा की क़ियामगाह पर जमा हुए हैं, इस मकसद से कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायदीन के लिए, उनके सेहतियाबी के लिए, उनके उम्र दराजी के लिए और उनको मज़ीद कामयाबियाँ हासिल होने के लिए दुआएँ की जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत क़ुरान मजीद हुई और फिर उसके बाद दुआओं का सिलसिला रहा। मौलाना निसार हुसैन साहब हैदर आगा क़िबला ने दुआ फरमाई, ये फ़ख़िर भी दस बदुआ रहा। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल कर ले और हमारे खुलूस के इस जज्बे को हमेशा हमेशा कायम और दायम रखे। अब इस वक्त हमको जो सबसे पहली ज़रूरत है वो हमारे इत्तेहाद की है। जब तक इत्तेहाद ना हो,
उस वक्त तक भी कामयाबी हासिल होना मुश्किल है। आप जानते हैं कि इत्तेहाद में ताकत हुकूमत है और इंतशार मौत की अलामत है। लिहाजा तमाम मुसलमान भाइयों से मैं बिला लिहाज फ़िरका व मसलक ये इल्तजा करता हूँ कि सब मुत्तहिद रहें। हमारे लिए आने वाले दिन बड़े अहम दिन हैं और इन दिनों में हमारा इत्तेहाद बड़ा काम आने वाला है। हमने दुआएं की हैं अल्लाह से, दोनों कायदीन की उम्र अकबाल में तरक्की की, सेहत याबी की। अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमा ले और उनके साथ फिर उनके जो रुफ़ाए कार है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, जो बेथकान मेहनतें करते हैं, रोज़ाना मजलिस के दफ्तर में आते हैं, बैठते हैं और हाजतमंदों की हाजत रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये पहली एक सियासी जमात हिंदुस्तान में ऐसी है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसे किसी जमात में भी आपको MLAs वगैरह वक्त पर मुहैया नहीं होते, जिस तरह से कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs जो है आपको हमा वक्त आपके साथ रहते हैं, आपके जुमला ज़रूरतों की तकमील करने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। लिहाजा कारनामे तो बहुत है मजलिस के, एक तारीख साज जमात बन गई है और मजलिस का हाल आजकल ऐसा हो गया है कि मैं तो कहता हूँ कि मजलिस आज हमारी ज़रूरत बन गई है। मजलिस के बग़ैर हमारे लिए किसी ख़त्म की कोई चीज़ सोचना महाल है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए कायदीन की भी, तमाम मुसलमानों की भी, और हमेशा हमको कामयाबी अता करते रहे। आमीन। वाखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह।